गोहापुरा कस्बा पुख्ता मस्जिद के पास रहने वाले जुबेर पुत्र इमरान अंसारी पर पुराने विवाद को लेकर पल्टन एरिया लाल मस्जिद निवासी शहादत कुरैशी ने पर जानलेवा हमला कर दिया। शहादत ने जुबेर पर चाकू से कई बार किए जिससे जुबेर गंभीर रूप से घायल हो गया। जुबेर को बचाने पहुंचे उसके दोस्तों को भी छुरी मारकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद भाग रहे शहादत को मोहल्ले वालों ने पकड़ा जिसके बाद जमकर पिटाई लगाई। घायल जुबेर की अम्मी सन्नोबी मौके पर पहुंची। कोतवाली पुलिस ने जुबेर की शिकायत पर शहादत कुरैशी पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इधर दूसरे पक्ष की फरजाना के द्वारा भी मामला दर्ज कराया गया है। इधर सन्नोबी के द्वारा जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर फैसल खां पर समझौती के लिए दबाव बनाने और जिला अस्पताल से जबरदस्ती जुबेर की छुट्टी करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना था कि जुबेर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने अन्य चार लोगों को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। सन्नोबी ने डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। आवाज आई लड़ाई की, मैं जाके देखा तो मैंने देखा कि जुबेर को है ना छुरी मार रहे थे, तो उसकी वो लड़का जो भर्ती है यहाँ पे भी शहादत वो मार रहा था, तो मैंने देखा कि जुबेर है ना वाइट कलर की शर्ट पहना हुआ था, तो उसकी शर्ट पूरी है ना खून में हो गई थी। तो मेरे को फरजाना ने घर में बुलाया, उसके साथ फरजाना के साथ उसके दो भाई थे, एक इश्तियाक था और एक इरफान था। तो मेरे को घर में बुलाया, मैं जैसे तैसे घर में से तो बाहर आ गया, फिर इश्तियाक ने इरफान ने फरजाना ने तीनी ने लड़के को छुरी दी और कहा जाके कि लड़के को मारो। फिर मुझे इन लोगों ने रोड पे मारा और मेरे साथ जो लड़के मुझे बचा रहे थे उन्हें भी छुरियाँ लगी हैं हाथों में, मेरे को बहुत सारी छुरी लगी हैं, यहाँ इधर भी है इधर भी है। जब मैं भागा बच के तो मेरे को होश नहीं था, मैं वहीं रोड पे गिर गया। और क्या नाम से, मेरा लड़का हॉस्पिटल में है और उसको ज़बरदस्ती सुबह डॉक्टर साहब ने फैसल साहब ने ज़बरदस्ती उसको छुट्टी का लिख दिया और अभी वो ठीक नहीं है, खड़े होने की कंडीशन में नहीं है, इतना ब्लेड गया, इतनी छुरियाँ पड़ी हैं। और जब भी वो कह रहे हैं छुट्टी लेके जाओ, जब मैंने मना करा तो मुझसे कहने लगे कि इनका सामान फेंको गार्ड को बुला के। आदर्श न्यूज चैनल के द्वारा आरोपियों का पक्ष लेने के लिए मोबाइल नंबर 7617334821 पर 4 से 5 बार कॉल किया गया, लेकिन कोई भी पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं।